नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अभिलाष पांडे और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में आपको बताएंगे भारत की एक बहुत ही घिनौनी प्रथा के बारे में, जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज भी कई लोग लड़की का शादी तक वर्जिन होना यानी कुंवारापन का ना होना बहुत ज़रूरी मानते हैं, और यही कारण है कि कौमार्य से जुड़े बहुत से मिथक समाज में फैले हुए हैं। वर्जिनिटी से जुड़ी कई परंपराएं भारत और अन्य देशों में भी मौजूद है, जबकि गौर करने वाली बात तो ये है कि इन सभी परंपराओं में अग्नि परीक्षा लड़की को ही देनी पड़ती है। लड़के की वर्जिनिटी यानी कि कुंवारापन शायद लोगों के लिए उतना मायने नहीं रखता, लेकिन ये परंपराएं लड़कियों के लिए अपमानजनक तो हैं ही। ये देखकर आश्चर्य भी होता है कि पूरी दुनिया में इसे इतना महत्व क्यों दिया जाता है। भारत के राजस्थान में आज भी एक ऐसी परंपरा चलती आ रही है जो बहुत ही हैरान कर देने वाली है। इस प्रदेश में रहने वाले सांसी समुदाय की एक कुकरी प्रथा आज भी लोगों के बीच सनसनी फैला रही है। ये प्रथा में शादी के बाद पति अपनी पत्नी की वर्जिनिटी चेक करता है और ये बात पूरे समुदाय को भी बताता है। लड़की शादी के बाद जब ससुराल जाती है तो उसके साथ पति घिनौना काम करता है और ये उसका घिनौना काम सुहागरात के दिन तक चलता रहता है। इस प्रथा में पति घिनौने तरीके से अपनी पत्नी की वर्जिनिटी चेक करता है और फिर कमरे से बाहर निकलकर चीख चीख कर सबको बताता है कि उसकी पत्नी वर्जिन है या नहीं। सभ्यता और संस्कारों के लिए जाना जाने वाला देश भारत आज कुकरी प्रथा महिलाओं के लिए अभिशाप बना हुआ है। देखा जाए तो ये प्रथा समाज के लिए एक घिनौनी प्रथा मानी जाती रही है और इस सांसी समुदाय की महिलाओं के लिए बहुत ही कष्टदायक भी है। तो आइए आपको बताते हैं इस प्रथा के बारे में विस्तार से अपनी इस खास रिपोर्ट में। भारत के राजस्थान शहर में एक ऐसी प्रथा सदियों से चलती आ रही है जो समाज के नजरिए से बहुत ही घिनौनी प्रथा मानी जाती है। इस प्रदेश में रहने वाले सांसी समुदाय की एक कुकरी प्रथा आज भी लोगों के बीच सनसनी बनी हुई है। आपको बता दें कि इस प्रथा में शादी के बाद पति अपनी पत्नी की वर्जिनिटी यानी कि कुंवारापन चेक करता है और ये बात पूरे समुदाय को भी बताता है। इस प्रथा में एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है और सुहागरात पर उसका पति कमरे में आता है। पति के हाथों में सफेद धागे का एक गुच्छा होता है जिसे देखकर लड़की घबरा जाती है और वो नहीं जानती है कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसा वो अपने घर की औरतों से हमेशा से सुनती आई है कि पति ये चेक करने वाला है कि उसकी बीवी वर्जिन है या नहीं। लड़की रोती रह जाती है और थोड़ी देर बाद उसका पति वो धागा लेकर कमरे से बाहर चला जाता है और चीख चीख कर पूरे समुदाय को बताता है कि लड़की का वो अंग खराब है। लड़की के घर वाले अब उस नई दुल्हन से उसके पुराने बॉयफ्रेंड का नाम पूछते हैं, जबकि लड़की रो रो कर कहती रह जाती है कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। जबकि उसके ससुराल वाले उसको खूब पीटते हैं और कहते हैं कि पंचायत के सामने वो लड़की मान ले कि उसके चीजा के साथ उसके आपत्तिजनक संबंध थे। रोज की पिटाई से थक कर एक दिन वो लड़की हार मान लेती है और मजबूरी से तंग आकर लड़की को उसके जीजा के साथ संबंध बनाने वाली बात को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन ससुराल वाले लड़की के पिता और जीजा के पीछे पड़ जाते हैं और खूब सारा पैसा मांगने लगते हैं। लड़की के वर्जिन ना होने की भरपाई के तौर पर जब तक पैसा नहीं मिल जाता है तब तक लड़की को जानवरों से भी बुरी तरह पीटा जाता है और जैसे ही पैसा मिल जाता है तब वही बहू घर में सबकी दुलारी हो जाती है। ये किसी एपिसोड की कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है और 100 सालों से भी पुराने इस खटिया से तरीके को कुकरी प्रथा कहा जाता है और राजस्थान में रहने वाले सांसी समुदाय के लोग आज भी इस प्रथा को मानते हैं। हम आपको बता दें कि एक किताब शैडो बॉक्सिंग विद द गॉड्स किताब में हमारे समाज की ऐसी बहुत सी बुराइयों का जिक्र है जो आज भी चली आ रही हैं। हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि जब विदेशी भारत में आए थे तब वो औरतों को उठा कर ले जाते थे और उनके साथ दुष्कर्म किया करते थे, फिर जहां मन करता था वहीं फेंक कर चले जाते थे।
उस जमाने में राजपूत अपनी नई ब्याही बहुओं की वर्जिन की जांचने के लिए धागे का इस्तेमाल किया करते थे और वो ये चेक करना चाहते थे कि जो लड़की उनके घर बहु बनकर आई है कहीं उसके साथ भी तो दुष्कर्म नहीं हुआ। फिर वक्त के साथ राजपूतों के घरानों से ये घटिया प्रथा खत्म होती गई और उनकी उतरन सांसी समुदाय वालों ने ओढ़ ली और ऐसी ओढ़ ही कि इसको अपना बिजनेस ही बना लिया है। अब इस समुदाय का हाल तो ये है कि लड़के वाले दुआ करते हैं कि उनकी होने वाली बहू वर्जिन ना हो ताकि उसके मायके वाले और पुराने बॉयफ्रेंड से लाखों रुपए वसूल किए जा सके। अगर लड़की वर्जिन होती है तब भी उसको मारपीट कर किसी का फर्जी नाम लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे पैसे या जमीन मिल जाती है और लड़की घर की मालकिन बन जाती है। जबकि देखा जाए तो एक तरह से दहेज के बाद एक और दहेज चूसने का तरीका है। इस मुद्दे पर पंचायत भी अक्सर लड़के वालों के परिवार को ही तरफदारी करती है और पंचायत की एक बैठक में 20-25 हजार रुपए से ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, जबकि लड़की के परिवार वाले पहले ही शादी में इतना खर्च कर चुके होते हैं कि पंचायत को बुलाने के पैसे अक्सर नहीं होते हैं, क्योंकि मुआवजा देने के लिए भी 25-30 हजार चाहिए होते हैं। फिर भी एक तरफ वो लड़का होता है जिसका नाम लड़की के ससुराल वालों ने जबरदस्ती उससे कबूल करवाया होता है, भले ही उस लड़के के लड़की से फिजिकल रिलेशन ना भी हो, तब भी उसको पैसे देने ही पड़ जाते हैं। हम आपको बता दें कि कई बार कुकरी प्रथा वाले तरीके से पंचायत सहमत नहीं होती है तो लड़की को पानी वाला टेस्ट देना पड़ता है। इस टेस्ट में लड़की को किसी नदी या तालाब में डुबकी लगाकर सांस रोक कर रहना पड़ता है और एक आदमी जो ना लड़के वालों की तरफ से है ना लड़की वालों की तरफ से, वो जमीन पर 100 कदम चलेगा। मान लीजिए उसको 100 कदम चलने में 120 सेकंड लगेंगे, तब तक लड़की को अपनी सांस रोक कर पानी के अंदर ही रहना पड़ता है और अगर उसने ऐसा कर लिया तो लड़की पवित्र मानी जाती है। कई बार लड़की 2 मिनट सांस रोके पानी के भीतर ही नहीं रह पाती है तो उसे गुनहगार मान लिया जाता है और फिर रिवाज के अनुसार लड़के वाले पैसे ऐंठने के लिए लड़की के घर वालों के सर पर चढ़कर बैठते हैं। वर्जिनिटी जांचने का ये तरीका भी सांसी समुदाय में औरतों पर अपनाया जाता है, जिसमें गर्म लाल लोहे का 2 किलो का टुकड़ा उसको अपने हाथों पर रखकर औरत को चलना पड़ता है। लोहे और हाथों के बीच में गुथा हुआ थोड़ा सा आटा और पान के साथ पत्ते रख दिए जाते हैं, जबकि नियम सिर्फ ये है कि अगर औरत वर्जिन है तो उसका हाथ नहीं जलेगा और अगर जल गया तो उसकी पिटाई की जाएगी और उसके पापा को लाखों रुपए देने पड़ जाएंगे। अगर हाथ नहीं जला तो ठीक उसका उल्टा लड़के के घर वाले लड़की को पैसे देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये 21वीं सदी चली आ रही है और इंसान तरक्की कर रहा है, वक्त भी बहुत आगे निकल गया है। वहीं आज के समय में अभी भी इस तरह की बातें पढ़ने और सुनने को मिल जाती हैं। हम आपको बता दें कि आज की दुनिया में भी वर्जिनिटी को लेकर बहुत सी जगहों पर इतनी हाई तौबा आज भी है जो हमें हैरान करने पर मजबूर कर देती है। आज भी बहुत सी औरतों के लिए जीने का यही तरीका है और उन पर शक करना उनकी वर्जिनिटी को लेकर खामखा का बवाल और फिर वक्त बेवक्त की पिटाई। कुछ औरतें तो हिम्मत करके पुलिस या प्रशासन में शिकायत भी कर देती हैं, लेकिन अक्सर पुलिस भी लड़के के परिवार वालों का ही साथ देती है। जरा आप सोचिए, इसके अलावा जो ये धागा पानी आग का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर का हालचाल पता लगाने के दावे किए जाते हैं, उससे लड़की के शरीर और दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ता होगा। महिलाओं पर तो बुरा असर पड़ता ही है और इसके साथ ही साथ ये प्रथा समाज के नजरिए से कहीं ना कहीं गलत भी है। महिलाओं की वर्जिनिटी को इस तरह से चेक करना और पूरे समुदाय में शोर मचाकर खुलेआम सबके सामने उनके वर्जिन होने और ना होने के बारे में बताना, ये हमारे और समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है। तो देखा आपने कि कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश भारत आज अपनी इस घिनौनी प्रथा के चलते शर्मिंदा हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया और अब हमें दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।